बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 10 बजे भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात एनसीबी के दफ्तर में बनी एक कमरे की अस्थायी जेल में रखा गया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं लाया जाता है, इसलिए रिया को एनसीबी लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए 22 सितंबर तक जेल भेज दिया। ड्रग्स खरीदने और रखने के मामले में कल एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की टीम एनसीबी दफ्तर से जो है वो भाईखला जेल, जो महिला जेल है, वहाँ के लिए रवाना होगी। जो जानकारी मिल रही है कि करीब 9 से 10 बजे के बीच में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम इसी दफ्तर से, जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट इलाके में, जहाँ पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती को रखा गया है, क्योंकि कल कोर्ट में जब हियरिंग हुई थी तो एनसीबी की तरफ से जुडिशियल कस्टडी देने की जो मांग की गई थी कोर्ट से, उसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को भेजा था, लेकिन रात होने की वजह से जो है कोर्ट ने यह भी आदेश दिया एनसीबी को कि इसी दफ्तर में जो है एक कमरे को जेल बना दिया जाए और रिया चक्रवर्ती को यहीं पर रखा जाए। तो कल की रात उनकी इसी इमारत की जेल में गुजरी है, और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक आज जो है करीब 9 से 10 बजे के बीच इसी इमारत से एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को लेकर निकलेगी और भाईखला जेल, जो महिला जेल है, वहां पर जो है उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि होगी रिया चक्रवर्ती के वकील ने जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो एनसीबी की टीम इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर निकले, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो उन्हें भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे दो सहयोगी एनसीबी दफ्तर से लाइव मौजूद है, अरुण सिंह है और दिवाकर है। सबसे पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण, पहला सवाल मेरा ये है कि कैसे गुजरी पहली रात रिया की एनसीबी लॉकअप में? देखिए, रिया चक्रवर्ती को कल गिरफ्तार कर लिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसके बाद अपने दफ्तर के यहीं चौथी मंजिल पर लॉकअप है, उसको अस्थायी जेल आप कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी बेल प्ली और उसके बाद उनको एक तरह से जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला कर लिया 14 दिन, उसके बाद उनको जाहिर सी बात है कि वो घर नहीं जा सकती थी और इसलिए अस्थायी जो जेल बनाई गई थी, हालांकि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लॉकअप ही है, लेकिन अब उसको नाम दे दिया गया अस्थायी जेल, क्योंकि अगर आपकी बेल प्ली रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद आपको सीधे जेल जाना होता है। सेशंस कोर्ट में उनकी बेल प्ली पर सुनवाई होगी और अभी हमारे सहयोगी दिवाकर ने बताया कि जो लीगल टीम है, सतीश मान सिंधे उनके वकील हैं, उसकी एक सदस्य यहाँ पर आई थी कपड़े लेकर के, और उन्होंने जो जमानत की अर्जी है उस पर दस्तखत भी उनके लिए हैं, यानी एक बार फिर अप्रोच सेशंस कोर्ट में करेंगी रिया चक्रवर्ती बेल के लिए। अगर उनको वहाँ से बेल मिल जाती है तो वो घर जा सकती हैं, वरना यहाँ से सीधे उनको भाईखला जेल जाना पड़ेगा। और आज की रात आप पूछ रही थी कैसे गुजरी, तो जेल में किसी की जैसे पहली रात गुजरती है, मुश्किलों भरी होती है, उदासी होती है, उसकी परेशानी होती है, तो रिया चक्रवर्ती भी उससे अछूती नहीं, उनको भी रात भर नींद निश्चित रूप से इस जेल में नहीं आई होगी। पहली बार वो जेल गई हैं अपने जीवन में और इसलिए स्वाभाविक है कि उनको नींद ठीक से नहीं आई होगी, लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे के अंदर तय हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती अपने घर जाएंगी या फिर यहाँ से भाईखला जेल जाएंगी, वहाँ महिला जो जेल है उसमें उनको भेजा जाएगा अगर उनकी बेल प्ली रिजेक्ट हो जाती है तो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल दिवाकर से है। दिवाकर, सेशंस कोर्ट में सुनवाई है लगभग 10 बजे, 10 बजे ही भाईखला जेल भी शिफ्ट होना है, तो क्या पहले सेशंस कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उसके बाद ही भाईखला जेल ले जाने का फैसला होगा? जसप्रीत, जब कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी तो खुद डीजी जो अशोक जैन है वो सामने आए थे मीडिया के, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि 10 बजे का वक्त रखा गया है, जब उनको एनसीबी दफ्तर की जेल से जो है, जो अस्थायी जेल है, वहाँ से भाईखला की जो महिला जेल है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो सेशन कोर्ट है वो 11 बजे के आसपास खुलता है, और ऐसे में एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि क्या कोर्ट अपने फैसले में रिया को बेल देता है या फिर जेल देता है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है, क्योंकि अगर सेशन कोर्ट से जो है उन्हें बेल मिल जाती है तो फिर वो यहां से सीधा अपने घर जाएंगे, लेकिन अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सीधा उन्हें भाईखला जेल जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा जाहिर तौर पर। और यही वजह है कि जो उनकी लीगल टीम की सदस्य है आनंदी फर्नांडिस, जो कि सतीश माने सिंधे जो रिया के वकील है उनकी असिस्टेंट है, वो यहां पहुंची थी थोड़ी देर पहले, अपने हाथ में बेल का जो पेपर है, जो उस पर रिया चक्रवर्ती का साइन जरूरी होता है बेल अप्लाई करने के लिए, उस पर उन्होंने सिग्नेचर लिया है और
और साथ ही साथ कुछ कपड़े भी अपने साथ वो लेकर आई थी रिया चक्रवर्ती के लिए, जो उनको दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज वो यहाँ से निकल चुकी है और थोड़ी देर में बेल एप्लीकेशन जो है मुंबई के सेशन कोर्ट, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है सेशन कोर्ट की, तो जाहिर तौर पर वहां से ये एप्लीकेशन फाइल होगी और देखने वाली बात होगी। रिया चक्रवर्ती को वकील लगातार ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि रिया चक्रवर्ती यहाँ से अपने घर जा पाए अगर उनको बेल मिलती है, नहीं तो फिर उसके बाद विकल्प यही बचेगा कि उन्हें भायखला शिफ्ट किया जाएगा एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। रिया से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती बहुत रोई थी। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिया की पेशी हुई और जैसे ही उसकी जमानत की अर्जी खारिज हुई वो रोने लगी। वो रोते हुए बोली कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं तो सिर्फ उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है। बताया गया कि पेशी के समय बचाव पक्ष के 2 वकील मौजूद थे। कोर्ट में रिया से पूछा गया कि पूछताछ में कोई दबाव तो नहीं बना रहा था, जिस पर रिया ने नहीं का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके बाद रिया खूब रोई। रिया को रोता देखकर उसका भाई शोविक भी खूब रोया। रिया के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। जमानत के कागजों पर रिया के दस्तखत लेने के लिए उनके वकील वहां पर पहुंचे और रिया के दस्तखत ले चुके हैं। खबर है कि अगर रिया के वकील एनसीबी के दिए सबूतों में सफाई देने में कामयाब रहे तो रिया को बेल मिल सकती है। वहीं अगर रिया को सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27A का है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। एनसीबी ने यह धारा रिया पर लगाई है। रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की जेल से भायखला में जेल में शिफ्ट किया जाना है और उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि जो रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम के मेंबर हैं आनंदी फर्नांडिस जो है वो यहाँ पर एक बैग के साथ पहुँची हुई हैं। उन्हें गेट पर जो है रोका गया है पुलिस के द्वारा और जो बैग है उसमें साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है उसमें रिया चक्रवर्ती के कपड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है और इसीलिए जो है जो उन लीगल जो उनके वकील हैं सतीश मानशिंदे उनकी असिस्टेंट आनंदी फर्नांडिस इस वक्त जो है एनसीबी दफ्तर के गेट पे आपको नजर आ रही हैं। वो उस कहीं ना कहीं उस बैग में जो है वो कपड़े लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए पहुँची हैं, क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अगर मुंबई की सेशन कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर देती है तो उसके बाद रिया के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और उसके बाद उन्हें जेल में शिफ्ट भायखला जेल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा यहाँ से। लेकिन कल जिस तरह से सुनवाई हुई थी, कल रात होने की वजह से किला कोर्ट ने एनसीबी को आदेश दिया था कि वो इसी दफ्तर में एक रूम को जेल में कन्वर्ट करें और उसी में रिया चक्रवर्ती को रखें, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उस आदेश का पालन किया और आज जो पहली रात है जेल में वो इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती गुजरी। लेकिन अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है उस पर आज 10 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। अरुण, जब रिया की जमानत अर्जी खारिज हुई रिया ने कहा बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं। उनका ये बयान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को रडार पर लेने के लिए काफी है, काफी अहम है। निश्चित रूप से जो बयान रिया चक्रवर्ती ने दिया है इसीलिए आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी, रिमांड पर उनको नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता है ऐसा दलील उन्होंने कोर्ट में ये दी कि बाद में जरूरत पड़ेगी उनके रिमांड की, क्योंकि बॉलीवुड में जो ड्रग्स कार्टेल है, ड्रग्स नेक्सस है, उसको बस्ट करने के लिए उनको आगे जा करके छापेमारी भी करनी पड़ सकती है, पूछताछ भी करनी पड़ सकती है और उस वक्त रिया चक्रवर्ती उनको अपने रिमांड में चाहिए होंगी क्योंकि उन चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कल कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, उनको रिमांड नहीं चाहिए। आज जो बाकी अभियुक्त हैं, बाकी जो गिरफ्तारियां उनकी भी रिमांड आज खत्म हो रही है और ये संकेत है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी भी रिमांड बढ़ाने की अर्जी नहीं देगा। इस वक्त मैं अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का हाल दिखाऊं आपको तो यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वापस से यहाँ लौट आई हैं, कल देर रात तक यहाँ पर थी और फिर उनको बुला लिया गया है। यानी रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल ले जाने की तैयारी पूरी है, PCR भी आ गई है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं और देखिए एक गाड़ी और यहाँ पर आ गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। समीर वानखेड़े जो मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को हेड कर रहे हैं, पूरी पूछताछ उन्होंने की, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ सेशंस कोर्ट में उनकी बेल प्ली पर सुनवाई होगी, उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी, दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये देख रहा है, नज़र बनाए हुए है कि रिया चक्रवर्ती को क्या यहीं पर रखा जाए लॉकअप में जिसे अस्थायी जेल बनाया गया है या फिर उनको भायखला जेल भेजा जाए।
क्योंकि अगर उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है, उनको जमानत मिल जाती है तो सीधे वो घर जा सकती हैं। फिर इसी मंजिल जो एक्सचेंज बिल्डिंग है इसमें एक लॉकअप है जिसको अस्थायी जेल बताया गया है। यहाँ से रिया चक्रवर्ती सीधे बिल्कुल तो कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अरुण और दिवाकर दोनों नजर बनाए रखिए लौटेंगे आप दोनों के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक्टर कंगना रनौत आज हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। वो हिमाचल के मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है, जिसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचेंगी, फिर वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट लेंगी। इससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कंगना रनौत का पहले लिया गया कोरोना सैंपल फेल हो गया था। पिछले कुछ समय से शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही थी। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से शिवसेना उनका मुंबई आने का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ के लिए निकली है, ये दो तस्वीरें आप देखिए। सुबह की तस्वीर जब चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई कंगना मंडी से निकली अपने घर से, और दूसरी तस्वीर में रास्ते में उन्होंने मंदिर में मत्था टेका, दर्शन किए, उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी है। और लगभग 11 बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की दूरी सड़क मार्ग के जरिए 4 घंटे की है, और 12 बजे उनकी फ्लाइट है सीधे चंडीगढ़ से मुंबई की। पहली तस्वीर में पूरा उनको सुरक्षा घेरा है, क्योंकि वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा मिली हुई है। 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, 2 स्पेशल ऑफिसर्स भी होते हैं इस वाई कैटेगरी की श्रेणी में। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि मंदिर में कंगना ने मत्था टेका और ट्वीट भी किया था कि ना डरूंगी ना झुकूंगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज अपने घर मंडी जिला के भांवला स्थित घर से जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। तो जब वो घर से रवाना हुई तो रवाना होने के बाद हमीरपुर जिला के कोठी गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर है जो सड़क के किनारे ही है, और वहां पर उन्होंने जो है वो रुककर मत्था टेका। हम आपको जो है इस वक्त हम उसी शिव मंदिर के पास मौजूद हैं, हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे एक छोटा सा जो है ये शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पास जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों का काफिला जो है वो रोका, और एक हम उनकी गाड़ियों के काफिले के बिल्कुल ठीक पीछे थे। जैसे ही उनकी गाड़ियों का काफिला रुका तो एकदम से हम भी उतरे, और हमने देखा कि कंगना रनौत जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरी और वो इस मंदिर के पास आई। यहाँ वो मंदिर के पास आई और उन्होंने जो है वो यहाँ पर मत्था टेका भगवान शिव का। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पिंडी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, एक छोटा सा मंदिर है इस कोठी गांव में, जिला हमीरपुर में ये गांव पड़ता है, और यहाँ पर जो है उन्होंने विधिवत रूप से मत्था टेका और उसके बाद जो है वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैठी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। हमारी सहयोगी अर्शदीप कौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लाइव मौजूद हैं। अर्शदीप, कितनी देर में मंडी से चंडीगढ़ पहुंच जाएगी कंगना और वहां पर क्या तैयारियां हैं? जी, तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच मंडी से यहाँ चंडीगढ़ पहुँचने की उम्मीद है। हम इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एंटर करेंगी, जहाँ से वो मुंबई के लिए फ़्लाइट लेंगी। 12:20 पर उनकी फ़्लाइट का समय बताया गया है, और जैसे ही वो आएंगी तो हम वो शॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसमें उनका सैंपल इनएडिक्वेट आया था, और उसके बाद दोबारा रात को उनका सैंपल लिया गया जो नेगेटिव आया, और उसके बाद आज सुबह वो मंडी से चंडीगढ़ के लिए चली हैं, और यहाँ मंडी से अब सीधा चंडीगढ़ पहुँचेगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचेंगी। 10:30 से 11 बजे के बीच में उनकी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, और 12:20 पर उनकी यहाँ से मुंबई के लिए सीधे फ्लाइट है। तो देखना होगा कि मुंबई में किस तरीके के क्या उनके किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहाँ पर क्वारंटीन किया जा सकता है उनको, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने शुरू हो गए हैं, और सिक्योरिटी की तरफ से भी जो इंतज़ाम किए गए हैं तो काफ़ी सारे उनकी तरफ से भी बताया गया है कि सुबह से उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि चंडीगढ़ पहुंच रही हैं कंगना रनौत। और बिल्कुल अर्शदीप, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कंगना अपनी बहन के संग तो नजर आई, क्या उनके परिवार के बाकी लोग भी मुंबई जा रहे हैं, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी, और क्या सुरक्षा है, इसकी तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए। जी, उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो उनकी बहन और उनके पीए का कोरोना टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव आया था कल। हालांकि कंगना का खुद का सैंपल जो था इनएडिक्वेट था, तो अगर सैंपल्स के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि कोरोना टेस्ट करवाना था फ्लाइट से पहले,
तो उनकी बहन और उनके पीए उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन उनके कुछ परिवार के सदस्य भी चंडीगढ़ के लिए उनके साथ रवाना हुए हैं। तो अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि साथ अगर परिवार में से कोई और भी जा रहा है, लेकिन उनकी बहन ज़रूर उनके साथ जा रही हैं। और चंडीगढ़ तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में चंडीगढ़ पहुँचने की उम्मीद है, और उनके साथ जो गाड़ियों का काफिला है वो लगातार जानकारी दी जा रही है कि कहाँ कहाँ पहुँची हैं, और जल्द ही वो यहाँ पर पहुँच जाएंगी और यहाँ से एंटर करेंगी, और यहाँ से 12:20 की उनकी फ़्लाइट है, 12:20 की सीधे मुंबई यहाँ से वो जाएंगी। और कंगना ने ये भी साफ किया था कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुँचेंगी, तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो वो 9 सितंबर का जो उन्होंने ऐलान किया था वो आज यहाँ बिल्कुल। तो काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है अर्शदीप उनका ये दौरा, आप नजर बनाए रखिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, यूरोप के देश बेलारूस में विपक्ष की नेता मारिया कोल्सिनकोवा को कुछ नकाबपोश लोगों ने अगवा कर लिया। कोल्सिनकोवा 9 अगस्त को वहां हुए चुनावों में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जीत का दावा करने वाली विपक्षी उम्मीदवार स्वेतलाना की कैंपेन पार्टनर हैं, जिन्हें सुबह करीब 10 बजे राजधानी मिंस्क के आर्ट म्यूजियम के पास से कुछ नकाबपोश लोग जबरदस्ती वैन में उठा ले गए। 38 साल की मारिया कोल्सिनकोवा के साथ उनके 3 साथी भी लापता हैं। इन सब के पीछे बेलारूस के बिगड़ते राजनीतिक हालात को माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोध में वहां करीब 1 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में मुंह पर नकाब लगाए कई लोग प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन गाड़ियों में डालते दिखे। कुछ महिला प्रदर्शनकारी तो अपने साथियों को बचाने के लिए उनके आगे खड़ी हो गईं। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में नकाब लगाए लोग प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पकड़ते और उन्हें जबरदस्ती वैन में डालते नजर आए। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,609 नए मामले सामने आए। इतने मामले करीब 2.5 महीने बाद दर्ज हुए हैं। 24 जून को कोरोना के 3,788 केस आए थे। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 10% को पार कर चुकी है, जबकि रिकवरी रेट 86.3% है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,797 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,70,140 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की एक कार्यकर्ता पर गोली चलाने की घटना पर सियासत गर्मा गई। इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरे। एक दिन पहले वहां राधा रानी नस्कर नाम की एक बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली चली, जिससे आग बबूला बीजेपी नेताओं ने अगले दिन दक्षिण 24 परगना में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने पहले एक मार्च निकाला और फिर धरना दिया। बात एक महिला कार्यकर्ता पर गोली चलने की थी, लिहाजा इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हुईं। धरने पर बैठे इन सभी लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता राज में बंगाल में उसका कोई कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। राधा रानी नस्कर एवं तार हस्बैंड अरुण नस्कर बीजेपी करे, এই রাজ্যে বিজেপি করাটা হচ্ছে পাপ, তারা তখন বিজেপির উপর হামলা চালাচ্ছে। जिस समय बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया, वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात थे ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने विधानसभा की तरफ जाने के लिए रैली भी निकाली, लेकिन विधानसभा के बाहर पुलिस तैनात दिखी। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने उन्हें वहां भेजने की कोशिश की। ऐसे में उनके बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये लोग प्रदर्शन करते रहे। हाथों में कांग्रेस का झंडा और तख्तियां लेकर जुटे ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी, जिन्होंने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लद्दाख में LAC पर भारत के जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को फिर से नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों ने एक दिन पहले लद्दाख में पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। उस वक्त चीन के कई सैनिक भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट के काफी करीब पहुंच गए थे और भारत के जवानों को उकसाने के लिए उन्होंने वहां गोलियां भी चलाई। इसके बावजूद भारतीय सेना उनके बहकावे में नहीं आई और सभी चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि चीन की तरफ से यह झूठा आरोप लगाया गया कि LAC पर भारतीय सेना ने फायरिंग की, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन के इन झूठे आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे को भटकाने वाला बताया।
बिहार के कटिहार में महिला से बदसलूकी करने के आरोप में एक बुजुर्ग आदमी को गांव के लोगों ने जमकर पीट दिया। आरोपी के वहां पहुंचे इस आदमी ने झाड़ फूंक करने के नाम पर महिलाओं से छेड़खानी की, जिसके बाद उन्होंने इस बुजुर्ग को घेर लिया। एक महिला ने उसे डंडे से जमकर पीटा। काफी देर तक पिटाई के बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला को रोका। पिटाई की वजह से आदमी जमीन पर लेट गया, जबकि वहां मौजूद लोग उसे घेर कर खड़े रहे। इससे पहले यह आदमी एक पेड़ से भी बंधा हुआ नजर आया और कई महिलाएं उसे घेरे हुए खड़ी दिखाई दी। हालांकि इस बीच वो महिलाओं को समझाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन खफा लोगों ने उसे जमकर पीटा। उत्तर कोरिया एक बार फिर अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बहुत जल्द दो रॉकेट की टेस्टिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से पूरी की जा चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2019 में दो रॉकेट की टेस्टिंग की गई थी, लेकिन इसके बाद इस तरह की कोई खबर नहीं आई। मार्च में सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से पता चला कि टेस्टिंग की जगह पर कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया कि किसी नई टेस्टिंग की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके बाद किम जोंग उन कई महीनों तक गायब रहे और जब वापस आए तो फिर से टेस्टिंग की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन बहुत जल्द दो रॉकेट की टेस्टिंग कराने की कोशिश में है। अक्टूबर में एक लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट किए जाने की खबरें भी आ चुकी हैं, जिसके बाद उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बेखौफ लड़कों की हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में इन लड़कों ने यह वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें साफ दिखा कि एक के बाद एक अलग अलग पांच लड़कों ने एक मकान की छत पर खड़े होकर पिस्तौल से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीन लड़कों को हिरासत में ले लिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लापता पांच भारतीयों के उसके इलाके में होने की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के हॉटलाइन मैसेज का जवाब देते हुए चीन ने यह माना कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से लापता पांचों लोग उनकी सीमा में मिले हैं। चीन की तरफ से इसकी जानकारी देने के बाद पांचों भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। कुछ रोज पहले अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने चीन पर ऊपरी सुबनसिरी जिले से पांच भारतीयों को अगवा करने का दावा किया था। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने कथित तौर पर अगवा किए गए लोगों के बारे में चीन से जानकारी मांगी, जिसके जवाब में चीन ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा बता दिया था। यूपी में रविवार को भी बाजारों से लॉकडाउन से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को भी बाजारों से लॉकडाउन हटा दिया, यानी अब ये बाजार आम दिनों की तरह हफ्ते में एक दिन अपनी छुट्टी करेंगे, यानी कहीं सोमवार को छुट्टी होगी तो कहीं मंगलवार को। इससे पहले राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने ओडिशा से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, ताकि मजदूर काम के लिए लौट सकें। सूरत में कुछ पुलिस वालों पर एक आदमी की पिटाई का आरोप लगा। दावा है कि यह आदमी जब रात में अकेला घूम रहा था, तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उससे रात के वक्त बाहर घूमने की वजह पूछी, लेकिन जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। दुनिया की नंबर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश बार्टी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने साफ किया कि वो कोरोना संकट के बीच यात्रा नहीं कर सकती। इससे पहले उन्होंने यूएस ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा कर्मियों की बैरक में सेना के एक जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाले जवान का नाम तेज बहादुर थापा बताया गया। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और खुदकुशी की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट। दीपक, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, अभी तक कोई सुसाइड नोट ऐसा बरामद नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी समय से उसकी तबीयत खराब रहती थी और तेज बहादुर थापा अपनी इसी तबीयत को लेकर लगातार परेशान रहता था और मानसिक रूप से परेशान था। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि आज सुबह 4 बजे के तकरीबन बैरक में, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर बैरक है, वहां पर ये तैनात था और तेज बहादुर थापा ने उसी वक्त बैरक नंबर सी में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, अगर सुसाइड नोट बरामद होता है या फिर उसकी जो वजह रही है वो उसकी बीमारी रही है, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, वापस आपके पास हम लौटेंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि एक सुरक्षाकर्मी ने वहां पर खुदकुशी कर ली है। हालांकि जो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि उसकी तबीयत खराब रहती थी और इस वजह से उसने खुदकुशी की होगी, लेकिन अभी तक कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। इसराइल के तेल अवीव में लोगों ने एक मैदान में 1000 से ज्यादा खाली कुर्सियां रखकर कोरोना संकट का मुद्दा उठाया। इसराइल में महामारी की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना से मरने वालों की याद में ही वहां एक मैदान में ये खाली कुर्सियां रखी गईं।
लोगों ने सरकार से नाराजगी जताते हुए इस महामारी को गंभीरता से लेने और तुरंत कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर एक खाली कुर्सी पर एक एक फूल भी रखा नजर आया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकी के पास से 2 राइफल, 6 पिस्तौल और एक अमेरिकन मेड M4 राइफल भी बरामद की गई है। सुरक्षा बल के जवानों ने जवाहर टनल के पास एक ट्रक से आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, तो ये बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अफ्रीकी देश सेनेगल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई। राजधानी डकार और उसके आसपास के इलाकों में सिर्फ एक रात में ही 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से राजधानी की कई सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। अचानक पानी भरने से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। कुछ तो अपने बच्चों को सिर पर उठाकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे, जबकि वहां से आई दूसरी तस्वीर में पूरा इलाका ही पानी में डूबा हुआ नजर आया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। बारिश का पानी वहां के एक अस्पताल में भी भर गया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी पानी को बाहर निकालने में जुटे दिखाई दिए। इन लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया। Seen no mayor, no councillor, no firefighters. We've seen no one. भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों से मकान गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं, जबकि एक जगह पर कुछ बच्चे भी मकान से पानी निकालते नजर आए। गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के एक अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। किसी को स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया, तो कुछ मरीजों को लोग उनके बिस्तर के साथ ही अस्पताल से बाहर ले आए। इस अफरा तफरी के समय वहां कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल के बाहर ही इलाज किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में अस्पताल के बाहर कई मरीज अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए दिखाई दिए। बाद में गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग लगने की सूचना पर वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता MCD के जोनल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें एक एक कर अपनी गाड़ी में बैठाया और सड़क खाली करवाई। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बाद भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जैसे ही यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस यहां पहले से तैयार थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने नारे लगाते हुए दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन मिलने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया और केजरीवाल सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले से आमने सामने है। एक दिन पहले ही दोनों पार्टियों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिवविहार तक शुरू हो चुकी है। मेट्रो में सफर के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं। स्मार्ट कार्ड वाले यात्री ही मेट्रो में सफर कर पाएंगे। मेट्रो स्टेशन पर टोकन उपलब्ध नहीं होगा। मेट्रो में सफर करते वक्त मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अमेरिका के ओरेगन राज्य में ट्रंप समर्थकों की रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रंग भेद और ट्रंप के खिलाफ हुई इस रैली के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों के साथ मारपीट होने से हालात काफी नाजुक हो गए और इस घटना ने काफी गंभीर रूप ले लिया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब ओरेगन की राजधानी सेलम में एक रैली के लिए ट्रंप समर्थक इकट्ठा हुए। हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप समर्थकों के विरोध में रंगभेद के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे इन लोगों के साथ मारपीट भी हुई। सामने आए एक वीडियो में एक ट्रंप समर्थक रैली का विरोध कर रहे एक प्रदर्शनकारी के सिर पर हमला करते हुए भी देखा गया। इस हिंसक टकराव के बाद वहां तनाव पैदा हो गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में एक हथियारबंद ट्रंप समर्थक को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ये मामला अमेरिका के चुनाव में गरमाया हुआ है। इस घटना की वजह से ही ट्रंप समर्थकों ने रैली में पोर्टलैंड से दूरी बनाकर रखी। वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर 80 किलोमीटर की रैली निकालते हुए ट्रंप के समर्थन में सेलम में एक जगह इकट्ठा हुए।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने विधानसभा की तरफ जाने के लिए रैली भी निकाली, लेकिन विधानसभा के बाहर पुलिस तैनात दिखी। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने उन्हें वहां भेजने की कोशिश की। ऐसे में उनके बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये लोग प्रदर्शन करते रहे। हाथों में कांग्रेस का झंडा और तख्तियां लेकर जुटे ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी, जिन्होंने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। दिल्ली में कोरोना मरीजों के साथ डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती तादाद से हालात बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें किसी मरीज के अंदर कोरोना के साथ डेंगू के लक्षण भी पाए गए, और बताया गया कि ऐसे ही एक मरीज की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है, और इन सबके बीच अब तक दिल्ली में डेंगू के 96 जबकि मलेरिया के 97 मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को कोरोना और डेंगू एक साथ हो जाए तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के साथ ही डेंगू से बचाव को भी बहुत जरूरी बताया। अगर एक मरीज में ये दोनों चीजें हों तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, उसके रैशेज भी हो रहे हैं, साथ में निमोनिया हो रहा है, तो अगर यंग भी पेशेंट होगा तो उसकी जो रिस्क फैक्टर है दोगुना बढ़ जाएगा। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के सोनीपत में एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास के कुछ छात्रों को बुलाकर पढ़ाया गया। वहां 11 सितंबर से दोबारा क्लास शुरू हो जाएंगी, जिससे पहले ये डेमो किया गया, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए छात्र स्कूल में घुसे। इससे पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया, जिसके बाद सभी छात्र एक लाइन में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने क्लास में बैठकर पढ़ने के समय भी इस नियम का पालन किया। कक्षा के अंदर केवल 15 बच्चे बैठेंगे और 15 बच्चे जो है सोशल डिस्टेंस के साथ हैं। करीब 5.5 महीने बाद स्कूल पहुंचे छात्रों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी जाहिर की। सरकार के बहुत ही आभारी है जो उन्होंने इस सर्वे में हमारा स्कूल चुना। क्लास में पढ़ने के समय सभी छात्र और टीचर मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। स्कूल में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। टॉम क्रूज नॉर्वे में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में टॉम क्रूज एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते दिखाई दिए। इससे पहले वो पहाड़ के किनारे बने एक रैंप पर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आए। रैंप पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए उन्होंने उसके साथ ही हवा में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो नीचे गिरने लगे। थोड़ी देर बाद उनका पैराशूट खुल गया और वो उसकी मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इस दौरान उनके आगे एक कैमरा घूमता दिखाई दिया, जबकि उनके ठीक ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से भी इस सीन को फिल्माया गया। टॉम क्रूज की ये फिल्म अगले साल रिलीज होनी है, जिसके इस स्टंट सीन को पश्चिमी नॉर्वे के हेलेसिट में शूट किया गया। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनके माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही स्कूल में छात्रों को बिठाने के लिए 6 फीट की दूरी रखना भी जरूरी है। साथ ही छात्रों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। गुजरात के बनासकांठा में गौशाला चलाने वालों ने सरकार से मदद की मांग करते हुए सैकड़ों गायों के साथ प्रदर्शन किया। कोरोना संकट में कम दान मिलने से गायों के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद ये सभी लोग सैकड़ों गायों को लेकर सड़क पर उतर गए और सरकार से मदद की मांग की। बीच सड़क पर इतनी गायों के आ जाने से जैम लग गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी मुश्किल हुई। इससे पहले गौशाला चलाने वालों की चेतावनी के बाद प्रशासन ने वहां पुलिस तैनात कर दी और एक गौशाला के बाहर तैनात कुछ पुलिस वाले गायों को बाहर आने से रोकने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस के तैनात होने से लोग और नाराज हो गए और सैकड़ों गायों के साथ सड़क पर उतर कर उन्होंने प्रदर्शन किया। बिहार के कटिहार में महिला से बदसलूकी करने के आरोप में एक बुजुर्ग आदमी को गांव के लोगों ने जमकर पीटा। आरोप है कि वहां पहुंचे इस आदमी ने झाड़ फूंक करने के नाम पर महिलाओं से छेड़खानी की, जिसके बाद उन्होंने इस बुजुर्ग को घेर लिया। एक महिला ने उसे डंडे से जमकर पीटा। काफी देर तक पिटाई के बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला को रोक दिया। पिटाई की वजह से आदमी जमीन पर लेट गया, जबकि वहां मौजूद लोग उसे घेर कर खड़े रहे। इससे पहले यह आदमी एक पेड़ से भी बंधा हुआ नजर आया और कई महिलाएं उसे घेरे हुए खड़ी दिखाई दी। हालांकि इस बीच वो महिलाओं को समझाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन खफा लोगों ने उसे जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कोबरा सांप देखकर वहां इलाज करा रहे मरीज और उनके घर वाले बुरी तरह घबरा गए। डर के मारे कई लोग तो वहां से भाग खड़े हुए।
लेकिन अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब कोबरा सांप फन फैलाकर वहीं बैठ गया। देखने से ऐसा लगा जैसे वो बेहद गुस्से में हो। सांप कहीं काट न ले इस डर से लोग उसे दूर से ही देखते रहे। किसी की भी उसे भगाने की हिम्मत नहीं हुई। आनंद फानंद में वहाँ सपेरे को बुलाया गया जिसके बाद सांप पकड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही सपेरे ने सांप की पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो उसने तेजी से पलटकर उसके पैर पर हमला कर दिया। हालांकि इस वार से वो बच गया जबकि सांप वहां से भागने लगा, लेकिन सपेरे ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। इस दौरान सांप ने कई बार उसे डसने की कोशिश की, हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और वहां इलाज करा रहे लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 4:17 पर नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग सुबह 4:17 पर ये झटके महसूस किए गए और बताया गया कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 रही। चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने की कोशिश करने में लगा है। अमेरिका को उकसाने के लिए इस बार चीन ने कोरिया की सीमा के पास सेना की टुकड़ियों को अभ्यास के लिए भेज दिया, और वो भी ऐसी तैयारी के साथ जैसे सैनिक अभ्यास के लिए नहीं बल्कि कोई जंग लड़ने जा रहे हों। अभ्यास में 1000 सैनिकों को शामिल किया गया। ये सैनिक गाड़ियों और रेलगाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। अभ्यास की ही नहीं बल्कि सैनिकों के जाने की तस्वीरें भी चीन की सरकारी एजेंसियों ने दुनिया को दिखानी शुरू कर दी। कोरिया की सीमा के पास इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को पहुंचाना चीन की एक चाल है, क्योंकि कोरिया की सीमा दक्षिण चीन सागर के पास है, वही दक्षिण चीन सागर जहां अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के मुरादाबाद में ड्रग विभाग ने नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया गया कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाई जाती थी। ड्रग विभाग को जानकारी मिली थी कि एक मकान में नकली दवाइयों की फैक्ट्री चल रही है और ये नकली दवाइयां बड़ी कंपनियों के रैपर में पैक करके बाजार में सप्लाई की जाती है, जिसके बाद ड्रग विभाग ने फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी संख्या में नकली दवाइयों को बरामद किया। फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाने वाली मशीनें भी बरामद की गई। बताया गया कि यह फैक्ट्री 2 साल पहले जेल जा चुका एक आदमी चला रहा था जो छापे से पहले ही भागने में कामयाब रहा। जमानत हो गई थी मोहम्मद आशीष की, जो अभियुक्त था, उसके बाद उसने आके यहाँ पर सेटअप बनाया है। आप देख रहे हैं कि ये किसी बड़े प्लानिंग में था, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन इसको जो है इसने दो ब्लिस्टर मैट मशीन यहाँ पर आकर किसी और कंपनी की दवाएं बनाता हुआ मौके से पकड़ा। सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत पर बीएमसी ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाकर उसे सील कर दिया। इस नोटिस के अनुसार कंगना के ऑफिस में कई अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिस पर बीएमसी ने कंगना रनौत से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने खार पुलिस स्टेशन को भी एक पत्र लिखकर कंगना के दफ्तर के में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए मदद मांगी, जिस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर बीएमसी की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया। मुंबई शहर में कायदे के अनुसार महानगर पालिका काम करती है, अगर इनलीगल काम होगा तो कंगना रनौत का जी और किसी का भी हो वो तो बंद किया जाएगा। यूपी में रविवार को भी बाजारों से लॉकडाउन से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को भी बाजारों से लॉकडाउन हटा दिया, यानी अब ये बाजार आम दिनों की तरह हफ्ते में एक दिन अपनी छुट्टी करेंगे, यानी कहीं सोमवार को छुट्टी होगी तो कहीं मंगलवार को। इससे पहले राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ओडिशा से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की ताकि मजदूर काम के लिए लौट सकें। सूरत में कुछ पुलिस वालों पर एक आदमी की पिटाई का आरोप लगा। दावा है कि आदमी जब रात में अकेला घूम रहा था तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उससे रात के वक्त बाहर घूमने की वजह पूछी, लेकिन जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। दुनिया की नंबर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऐश बाटी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने साफ किया कि वो कोरोना संकट के बीच यात्रा नहीं कर सकती। इससे पहले उन्होंने US ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल सेक्टर में निवेश के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मेगा डील की है। इस डील के तहत सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बदले सिल्वर लेक को रिलायंस रिटेल की 1.75% की हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक इससे पहले जियो में भी बड़ा निवेश कर चुकी है।
रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक के निवेश पर खुशी जाहिर करते हुए आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साझेदारी से रिटेल सेक्टर से जुड़े लाखों छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। तो ये मेगा डील हुई है। सिल्वर लेक ने 7500 करोड़ का निवेश किया है, आरआईएल में ये निवेश किया गया है और निवेश के बदले सिल्वर लेक को 1.75% की हिस्सेदारी मिली है और इस हिस्सेदारी के बाद अब मुकेश अंबानी ने इस डील पर खुशी जाहिर की है और ये कहा है कि इस साझेदारी से रिटेल सेक्टर से जुड़े लाखों छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा। तो ये बड़ा निवेश है। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी निवेश किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये है कि सिल्वर लेक ने रिटेल सेक्टर में निवेश के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मेगा डील की है। इस डील के तहत सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बदले सिल्वर लेक को रिलायंस रिटेल की 1.75% की हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक इससे पहले जियो में भी बड़ा निवेश कर चुकी है और जियो में निवेश के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ये एक और निवेश किया गया है और इस डील को मेगा डील कहा जा रहा है। मेगा डील इसलिए क्योंकि इस साझेदारी से रिटेल सेक्टर से जुड़े लाखों छोटे दुकानदारों को फायदा होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने इस डील पर खुशी भी जाहिर की है। रूस के उलियानोस्क से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक सुपरमार्केट में मौजूद महिला ने वहां के कर्मचारी पर चाकूबाजी कर दी। बताया गया कि हमले के समय यह महिला जोर जोर से चीख रही थी और इसी बीच उसने उलियानोस्क में मौजूद सुपरमार्केट की कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें हमले का शिकार हुआ ये कर्मचारी सब्जियों और फलों के सेक्शन के पास खड़ा दिखा। तभी अचानक पीछे से ये महिला आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने इस कर्मचारी पर चाकू से बिना रुके हमला शुरू कर दिया। वो इस कर्मचारी पर तब तक वार करती रही जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया। इतनी देर में वहाँ सुपरमार्केट का एक दूसरा कर्मचारी और एक ग्राहक दौड़ते हुए पहुँचा और बुरी तरह जख्मी हो चुके इस कर्मचारी को बचाने की कोशिश में जुट गए लेकिन आरोपी महिला इस कर्मचारी को छोड़ने को तैयार ही नहीं दिखी। हालांकि पुलिस ने बाद में इस महिला को हिरासत में ले लिया।